नमस्कार, मेरा नाम है मानसी जैन और आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज। लखीमपुर खीरी मसले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को एक दिन का समय दिया है और शुक्रवार को विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है। इस रिपोर्ट में मृतकों की जानकारी, FIR की जानकारी, किसे अरेस्ट किया गया है, जाँच आयोग आदि के बारे में सब बताना है। कोर्ट ने सरकार को ये भी आदेश दिया है कि इस हमले में मृत किसान लवप्रीत सिंह की मां के इलाज के लिए हर संभव मदद दी जाए। बेटे की मौत की खबर के बाद से ही मां की तबीयत खराब चल रही है। कोर्ट में यूपी सरकार की तरफ से पेश गरिमा प्रसाद ने कहा कि सरकार ने FIR दर्ज कर ली है। इसके अलावा हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई में जांच टीम बना दी गई है। सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि हाई कोर्ट में इस मामले को लेकर कितनी याचिकाएं दाखिल हुई हैं, उनकी तफसील और स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें। इसके अलावा कितनी FIR, कितने गिरफ्तार, कितने आरोपी, सभी कुछ बताएं। आपको बता दें कि लखीमपुर कांड में 4 किसानों के साथ 8 लोगों की मौत हुई थी। इसमें 2 BJP कार्यकर्ता, 1 ड्राइवर और 1 पत्रकार शामिल हैं। लेकिन हादसे के चौथे दिन यानी आज तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई। हादसे में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा के खिलाफ FIR दर्ज है। आरोप है कि उन्होंने ही गाड़ी से किसानों को कुचला था। यूपी सरकार की तरफ से मारे जाने वाले सभी 8 लोगों के घर वालों को 45-45 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी गई है। इसके अलावा घायलों को 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे। साथ ही मृतक किसानों के परिवार से किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी का वादा भी किया गया है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक गलतफहमी को भी दूर किया। कोर्ट ने कहा कि 2 वकीलों ने कोर्ट को लखीमपुर मामले के लिए लिखा था। इस पर कोर्ट ने मामले को जनहित याचिका के तहत रजिस्टर करने को कहा था, लेकिन गलतफहमी में इसे स्वतः ही संज्ञान के तहत रजिस्टर कर लिया गया। फिलहाल अभी हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जेएमडी न्यूज़।